इतिहास में हुआ है कि उन सोसाइटी के पक्ष को देखा गया, ये सोशल हारमोनी पे डिसीजन लिया गया, जो कि लॉजिकल फैक्ट्स ये सब को छोड़ के हमने क्यों गए ऐसा। सर मैं आपसे मैं इसमें कुछ बोल नहीं, इसमें अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए अयोध्या वर्डिक्ट में मुझे नहीं लगता है कि उसको फैक्चुअल पक्ष को छोड़ के सिर्फ सोशल हारमोनी पे जजमेंट दिया गया है, क्योंकि आप देखिए तो फैक्चुअल है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर अपना व्यू रखा कि हम इसे एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रूप में देखें, हालांकि इसे आस्था जुड़ी हुई है वो हमारे लिए कंसिडर नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और हम इसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रूप में ही देखेंगे। पहला उन्होंने कहा कि रामलला जो थे, रामलला का पोसेशन वहाँ था। और देखिए जब भी हम कानून की बात करते हैं और खासकर जब लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है पोसेशन, इसको दखल बोलते हैं। तो दखल किसका है? और अगर दखल रामलला का है तो जाहिर सी बात है कि उनका पोसेशन है, तो हम उसको मान सकते हैं एडवर्स पोसेशन के तहत या किसी तहत उनका अधिकार है। और उसी को तवज्जो देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलला विराजमान जो है उनको। अब 370 पे आप क्या राय रखते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए भारत सरकार को और क्या किए हैं, क्या जो किए हैं सो सही किए हैं? देखिए 370 आर्टिकल 370 जो है वो एक शुरू से ही एक टेम्पोरी प्रोविजन रहा है। टेम्पोरी प्रोविजन चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इज अ टेम्पोरी प्रोविजन। अब टेम्पोरी प्रोविजन की पृष्ठभूमि देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब से जब बात हो रही थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उनका एक जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री, उनका ये राय था कि हमारे कश्मीर के साथ हो सकता है कि जो हमारी कल्चर है उसमें कुछ प्रभाव हो सकता है या उसमें कुछ बाहरी तत्व आके कुछ ये करेंगे जिससे कि हमारा हेरिटेज खत्म हो सकता है। तो उस चीज़ों का समाधान करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा 370 का एक प्रोविजन दिया था जो कि टेम्पोरी था। और कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिससे कि कालक्रम से चलता आ रहा था वो, लेकिन अभी की जो सरकार ने एक कदम उठाया कि 370 आर्टिकल को हटा देना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। उसके कई कारण हैं, जैसे पहला कारण है कि अपेक्षाकृत अनुसार अपेक्षा के अनुसार जो है वहाँ पर डेवलपमेंट काम नहीं हो पा रहा था, एक खाई बन जा रही थी, गरीबी बहुत थी, लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। 35A भी एक वहाँ पर अड़चन थी कि वहाँ की नागरिकता लिमिटेड थी, महिलाओं को अधिकार नहीं था, अधिकार अपेक्षाकृत कम था। तो ये सब समस्याएं से वहाँ पर आक्रोश बना पड़ा था, जो कि मुझे लगता है कि आतंकवादियों को एक बहुत बड़ा मौका था। तो प्रोसीजर हमको बताइए कि क्या प्रोसीजर भारत सरकार फॉलो की है 370 को हटाने का, क्या जो प्रोसीजर लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर के संविधान से उसको फॉलो किया गया कि नहीं, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल सही, आपने सही उल्लेख किया। एक्चुअली एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हट रहा था उस समय वहाँ का जो विधानसभा था वो भंग था, और जिस कारण से विधानसभा से राय नहीं ली गई और पार्लियामेंट ने उसे कानून बना के हटा दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बेहतर ये होता कि जब विधानसभा जब चलता होता और विधानसभा से राय ली जाती, वहाँ के लोगों को राय ली जाती, तो बेहतर होता। अच्छा, जो खूंटी नाम पड़ा है कुछ विशेष कारण है इसका? बिल्कुल सर, इसका कारण है अगर हम जो इतिहास को देखें तो देखिए खूंटी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। बिरसा मुंडा जो है वो खूंटी जिला से ही थे, दूलिहातो जो अड़की ब्लॉक में होता है, और उन्होंने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन था जल जमीन और जंगल। और वो खूंटकटी जो है, जैसे कि अभी जो हम लोगों ने बात की, खूंटकटी जो है एक टर्म है जो कि जंगल को जो जिनके पूर्वज आके जंगल को काट के खेती के लायक जमीन बनाए थे और वो रहते आ रहे थे, तो इसलिए वो खूंटकटी का कंसेप्ट था। और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि मुंडा जो आदिवासी जो जाति अनजान जाति हैं उनका उधर ज़्यादा प्रभाव रहा है, बहुल एरिया है, मुंडारी बहुल एरिया है। तो ये जो खूंटी है ये टर्म मैं समझता हूँ कि वो मुंडारी से ही आया है। अच्छा, बिरसा मुंडा जी को वो सम्मान मिला जो मिलने का वो हकदार थे? देखिए मैं समझता हूँ कि इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला सम्मान है कि उसे उन्हें सामाजिक वो इज्जत मिली जो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और दूसरी सरकार की तरफ से जो कि रिकॉग्नाइज्ड जो होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सामाजिक बात करें
तो बिल्कुल उन्हें मिला, क्योंकि उन्हें धरती आबा या जो आपसी जो सम्मान है वो बहुत ही बहुत एक चरम बिंदु तक है, क्योंकि हम भगवान नहीं होना चाहते हमें। लेकिन हम बात करते हैं जब रिकॉग्नाइज के तरीके में, जो कि सरकार की तरफ से या इनके तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये बिहार का ही प्रदेश था, बिहारखंड अपने आप में इसकी अस्तित्व नहीं थी, तो शुरुआत के समय में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनों की उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, इस कारण से उन्हें उनकी नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं इसके लिए झारखंड की सरकार भी जिम्मेवार है। जिम्मेवार नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि झारखंड सरकार तो 2000 में अस्तित्व में आई, लेकिन उससे पहले जब झारखंड सरकार आने के बाद बिरसा मुंडा जी को समाज में आज मिल रहा सम्मान, मैं समझता हूँ कि मिल रहा है, और हालांकि इसमें और मिलने की जरूरत है, क्योंकि अभी बिरसा मुंडा से बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा 1918 जेल में वो है। जैसे अभिनव जी, अभी यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे बिरसा का समाधि स्थल है, टेक्सारी पुल होकर, क्यों जी? जब वो रांची जेल में थे, रांची बिरसा का जी सर का नाम था, हालांकि वो शिफ्ट हो गया, चला गया वहाँ, तो वहाँ पर वो थे और उनकी मृत्यु जेल कस्टडी में ही हो गई थी। तो आनंद फानंद में, क्योंकि बिरसा आदिवासी जनजाति थी, उनको भगवान मानते थे, और अगर आप याद दे तो मैं कुछ बताना चाहूँगा जो कि बहुत मार्मिक भी है, कि लोग बोलते हैं कि जब वो एक सेल में थे, उन्हें एक सिंगल सेल में बंद कर दिया गया था, तो जो बगल वाले सेल में जो आदिवासी जनजाति जो कैद थे, वो बोलते थे कि हमें वो एहसास लग, वो पल बहुत यादगार है जब वो चलते थे, और चूंकि उन्हें सिकड़ों से बांधा गया था, तो सिकड़ जब बजता था तो हमें लगता था कि हमारा मालिक, हमारा भगवान जिंदा है। ये बहुत मार्मिक है, और मैं समझता हूँ कि बिरसा मुंडा का जो योगदान रहा है आदिवासी जनजातियों के जिंदगी में, वो बहुत अहम रहा है। तो चूंकि विद्रोह ना हो जाए, इसलिए आनंद फानंद में अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्हें कोकण ईश्वरी पुर में दफना, जो कि आज वहाँ समाधि स्थल। अब वर्तमान संदर्भ में गुरु गुली खेरा एक स्थल जो चर्चित है, क्यों? अभी जो बिल्कुल ये चक्रधरपुर वाली जो इंसिडेंट है, जो 7 लोगों का जो हत्या हो गई थी वहाँ पर, इसलिए पूरी बात तो मुझे पता नहीं है, जो मुझे अखबारों से पता चला वही मैं बताना चाहूँगा। उसमें यही बात हुई कि चूँकि वो पत्थलगढ़ी के विरोधी थे, जैसे जेम्स वुड का नाम आ रहा है, वो मुखिया भी थे वहाँ के, लेकिन चूँकि उन्होंने पत्थलगढ़ी से संबंधित मतलब विरोध किया, तो उन्हें ग्राम सभा में सजा दी गई और फिर बाद में 7 लोगों को हत्या कर दी गई। कड़िया मुंडा वर्तमान समय में एक दिग्गज सांसद रह चुके हैं, 8 बार किसी तरह से चुने जा चुके हैं, तो कड़िया मुंडा को पद्म सम्मान मिला 2019, कौन सा सम्मान मिला? खूंटी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव था, उस योजना का नाम कोयल कारो प्रोजेक्ट है, वो क्यों रुक गई, उसके बंद होने का कारण क्या है? संभवतः कहा जा रहा था अगर ये परियोजना शुरुआत होती तो झारखंड को बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती, तो इसका बंद होने का क्या कारण है? कहा है ये, कहाँ स्थल? कारो नदी, कारो नदी तो खैर हमारे जो खूंटी का बहुत एक प्रमुख नदी है, और कोयल दो दक्षिणी और उत्तरी कोयल, तो ये तो मुझे लगता है उत्तरी कोयल की, अच्छा ये तो दक्षिणी कोयल, तो ये दक्षिणी कोयल और कारो की पूजा की, इसके बारे में मैं विस्तृत तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन अगर बोले तो मैं कुछ इसमें बोल सकूँ। ये एक्चुअली हमेशा हमारे खूंटी एरिया का सबसे बड़ा परेशानी जो समस्या रही है वो है जमीन अधिकार। आदिवासी हमेशा से जमीन को अपना पहचान के रूप में मानते हैं, और ये जो संवाद की कमी, जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो संवाद की जो समस्या है, क्योंकि क्या है कि जो बिचौलिया का जो इंटरमीडिएट लोग का रोल है वो बहुत ही भ्रामक है, भ्रांतियाँ हमेशा फैलती रही हैं और समस्या बढ़ती रही है, तो ये जमीन का अधिग्रहण का एक समस्या था जो कि मैं समझता हूँ। ओके अभिनव जी, टकरा गांव की महत्ता क्यों है? खूंटी के टकरा गांव जो तजना नदी के किनारे बहुत ही प्रसिद्ध है, क्यों? टकरा, तजना नदी में जानता हूँ, टकरा गांव नहीं, डुम्बारू पहाड़ी का नाम सुना आपने? डुम्बारू, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, भारत की झारखंड की जनजाति संग्राम में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है।
अच्छा, जयपाल सिंह जो खूंटी से है, जयपाल सिंह की खेल और राजनीतिक संदर्भ में कुछ बताएं। जयपाल सिंह उनको मोरिंग को भी बोला जाता है, और वो मैं एक्चुअली पहले ऐसे एक खिलाड़ी थे जिन्होंने कि हॉकी को कैप्टन ओलंपिक लेवल तक पहुँचाया और पहला ओलंपिक भी जीता पहला। और उन्होंने जब झारखंड में आए तो उनका एक झारखंड उस वक्त नहीं था, बिहार था, और उन्होंने राजनीति भी पारी खेली। और मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन सा पार्टी उन्होंने किया था, लेकिन शायद झारखंड पार्टी, जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ, झारखंड पार्टी का स्थापना किया, और जो बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया उन्होंने। और जयपाल सिंह स्टेडियम भी है रांची में, लेकिन जयपाल सिंह का जो एक कांग्रेस के साथ, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के साथ उनकी तालमेल सही नहीं हो पाई, जो भी कारण हो, जिस कारण से जयपाल सिंह बहुत आगे पॉलिटिकल पार्टी में। अभिनव जी, खूंटी क्षेत्र में गीती उड़ान वर्ड, गीती उड़ान बहुत ही चलन में, क्या है गीती उड़ान? गीती उड़ान, हाँ, गीती ओड़ा, क्या है गीती उड़ान? मुंडा जनजातियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मुंडा जनजातियों से लगभग है। हाँ, स्पेशली गीती उड़ा के, जो गीती उड़ा के बिना जनजाति जीवन मुंडाओं की अधूरी है, क्या है गीती उड़ा? ओके, तोरपा क्षेत्र नक्सली गढ़ कही जाती है, क्यों स्पेशली तोरपा का तपकरा क्षेत्र, क्यों? सर एक्चुअली तोरपा जो है, मैं समझता हूँ कि वहाँ नक्सली से ज़्यादा जो छोटे मोटे हीरो हैं उनका समस्या ज़्यादा, जैसे PFLI यूनेस्को हीरो। नक्सली समस्या झारखंड में, मुझे लगता है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नक्सली की समस्या कम है, छोटे मोटे हीरो की समस्या ज़्यादा है। नक्सली की समस्या क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि नक्सली का जो शुरुआत हुआ वो बिहार से ज़्यादा, और इधर दक्षिणी छोटा नागपुर में नक्सली की समस्या कम। नक्सली आंदोलन आप मानते हैं कि बिहार से शुरू हुआ है? नहीं, ये तो बंगाल से शुरू हुआ, अनुसंधान नक्सलबाड़ी की जगह था वहाँ से शुरू हुआ। और नक्सलबाड़ी एक सोच भी है, अगर बोलना चाहूँगा तो नक्सल, जो नक्सलबाड़ी समस्या जो है वो एक सही है आपको लगता है? नहीं, नक्सल की जो समस्या थी वो वही आक्रोश से जुड़ा हुआ है। नक्सल में क्या है कि अगर अति शोषण अगर किसी का किया, जैसे जमींदार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, जमीन हड़प लिया जा रहा था, जमीन नीलाम कर लिया जा रहा था, आज भी बिजनेसमैन जिस प्रकार से चीजों को महंगा कर देते हैं, शोषण है, तो लोगों को नक्सलाइट ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, ज्वाइन करने की आक्रोश को जिससे साइन भाग में हो रहा है तो एक प्रकार से नक्सलिज्म बनेगा आगे चलकर। आक्रोश को बहुत तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, और जो आक्रामक तरीका एक तरीका है, मैं किसी भी तरीके का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक, चूँकि हम एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है, तो मुझे लगता है कि आक्रोश को अगर संवैधानिक तरीके से, जैसे कि जैसे गांधी जी ने कहा, लोकतांत्रिक तरीके से, और किसी दूसरे को अगर अंदर से चेंज करने की कोशिश की जाए, ज़्यादा बेहतर है, और वो अपना व्यक्त करने का तरीका होता है, और आक्रामक तरीका तो बिल्कुल ही सही नहीं। अभिनव जी, टेबू क्या है? टेबू टेबू जनजातियों से रिलेटेड, ओके, बापला के नाम से ना? बापला, हाँ, बापला एक जनजाति की शादी विवाह। किरिंग बापला क्या है? किरिंग बापला खूंटी में सबसे ज्यादा किरिंग बापला होता है, मैं एक गेस कर सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ। किरिंग बापला मुझे लगता है कि ये जो भाग शादी करने के लिए या जो जबरदस्ती शादी करने वाला होता है, निक्की प्रधान, जो बिरसा कॉलेज खूंटी की स्टूडेंट है, निक्की प्रधान नाम सुना? हाँ, निक्की प्रधान हॉकी, क्यों प्रसिद्ध हो रही है निक्की प्रधान? निक्की प्रधान, हाँ, निक्की प्रधान एक खिलाड़ी है हॉकी की, क्यों प्रसिद्ध? हॉकी की तो बहुत सारे गढ़ है, हॉकी का गढ़ है खूंटी, हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, निक्की प्रधान की क्या विशेषता है? झारखंड के लोकायुक्त वर्तमान समय कौन है? वर्तमान समय में लोकायुक्त तो मैं नहीं, लेकिन इनसे पहले अमरेश्वर सहाय थे अभी। अच्छा, खूंटी का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है साइको, साइको उसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया, क्यों? प्रतिबंधित क्षेत्र तो सिक्योरिटी के तहत हो सकता है कि, चूँकि सिक्योरिटी का समस्या है और उतना डेवलप नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है, इसी कारण से मुझे। वन अधिकार अधिनियम का क्या तात्पर्य है, इससे क्या समझ? वन अधिकार अधिनियम 2006 में आई थी, और दुर्भाग्य से इनका रूल 2008 में बना,
इसलिए वन अधिकार अधिनियम एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था जो कि वन से ही जुड़े हुए कुछ अनुसूचित जनजाति थे, जो कि वन में ही रहते थे, वन में ही उनका सभी जैसे कि जो उत्पाद है वह उत्पाद से ही उनका रोजी रोजगार चलता था। तो जब जब सरकार ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको इमिनेंट डोमेन के तहत, इमिनेंट डोमेन के तहत पूरे जंगलों का कि वो सरकारी संपत्ति है आप वहाँ नहीं रह सकते, या कुछ कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जहाँ पर कि जानवरों जो पशु पक्षी हैं उनको संरक्षण के तहत भी उनको हटा दिया गया। तो वन अधिनियम जो है 2006 में जो है उसमें जहाँ पर जो कुछ उन क्राइटेरिया किया कि कितने दिनों से रहते हैं उनका एक क्राइटेरिया बना, उसके आधार पे उनको रहने के लिए उनका अधिकार दिया कि वन में रह सकते हैं। और अब देखिए इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि वन अधिकार नियम 2006 में बना, उसका रूल्स बना 2008 में, लेकिन अभी तक मैं समझ रूल्स क्या है, बेसिक्स रूल क्या है, उसका मूल रूल क्या है, कितना हेक्टेयर तक लैंड ले सके, एक्विजिशन है इसमें मैक्सिमम, इसमें एक्विजिशन मैं इसका एक्चुअली उतना तो मैं कोई सीमा रखी गई है किसको दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल किसको दिया जाएगा दिया, इसलिए ग्राम वहाँ पर यह बोला गया है कि अगर वन अधिकार अधिनियम के तहत जो ग्राम सभा है वहाँ के जो ग्रामीण है वो उनका जो सभा है वो तय करेगा कि किनको देना है किनको नहीं देना है, और जो वहाँ से खेती कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जोत कोड़ करना जो जगह को काट के जिन्होंने अपना ये किया तो उनको अधिकार देना है। ठीक है, तो तय करने क्या मापदंड है, कुछ थोड़ा सा तय करने का कि एक एक ईयर है कि इतने दिनों से जो कितना दिन है। What is the difference between rest nulla and imminent domain? अभी आप बात किए हैं imminent domain। Rest nulla। सुने हैं concept? Rest nulla। अच्छा विनोद जी, ये बिरसा विद्रोह बुलान। सरदारी विद्रोह का ही एक विस्तृत रूप है कहा जाता है। सरदारी विद्रोह कब हुई? कहाँ से उपज हुई उसकी? और कैसे उसका विस्तृत रूप उल गुलाम को कहा जाता है? और क्यों? ये सरदारी विद्रोह दक्षिण छोटा नागपुर का ही आता है। इनके जो नेता थे वो मेन जोगदीश थे। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों जो आंदोलन थे ये भूमि से जुड़े हुए थे, और उस वक्त जब जमीन ले ली गई तो वहाँ के जो चूंकि ईसाई थे तो ईसाई ने कहा कि ठीक है तुम ईसाई मान लो, धर्मांतरण हम आपकी जमीन छोड़ देंगे। और जो ब्रिटिश जो थे जो नेता थे उन्होंने उसके लिए विद्रोह भी किया, लेकिन अल्टीमेटली जब ये ईसाइयों को मतलब जब उन्होंने समझ में आया कि ये जब सरदारी विद्रोह चल रही थी उसमें ईसाई थे ही नहीं, झारखंड ईसाई का प्रवेश ही नहीं होता, सरदारी आंदोलन ईसाई से तो कोई रिलेशन नहीं है सरदारी विद्रोह, सरदारी आंदोलन ईसाई आए नहीं, उसके बहुत बाद में ईसाई का प्रवेश हुआ। मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है उस वक्त ईसाई थे, हालांकि बहुत कम थे, बहुत कम मात्रा में थे, क्योंकि क्या हुआ कि जब झारखंड में ब्रिटिश ने ईसाइयों को धर्मांतरण के लिए एक मौका दिया था, उन्होंने बोला था कि जो धर्मांतरण अगर कर रहे हैं ईसाई, ईसाई में जो परिवर्तित हो रहे हैं जो यहाँ की जनजाति है तो उनको भूमि मामले में रियायत दी जाएगी। और ये भी एक कारण रहा है कि धर्मांतरण झारखोटी में हुई है बहुत मामले में। तो जब भूमि का जो समस्या है उसी का जो उलगुलान मूवमेंट में एक एक्सटेंशन हुआ है। हालांकि जो लड़ने का तरीका वो बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि बिरसा मुंडा ने उन्हें उसे एक सामाजिक सुधार के रूप में शुरू किया कि समाज जो आपस में समाज एक एकजुट किया जनजातियों को, और सामाजिक सुधार के रूप में लेते हुए इस आंदोलन को चलाया बिरसा मुंडा ने। जल जंगल अभिनव जी, पोन क्या है? पोन नाम सुने? पोन पोन बबला की प्रसिद्ध चीज़ है, पोन पोन तो जाना चाहिए। अच्छा धूमकुड़िया का नाम सुने आपने? धूमकुड़िया, हाँ क्या है धूमकुड़िया? एक नृत्य जो एक जनजाति की धूमकुड़िया एक ऐसा जगह है जिसे कि सांस्कृतिक भवन के रूप में माना जा सकता है कि युवा युवती किसी जनजाति के युवा युवती को वहाँ पर रहने का मौका मिलता है, और उसकी जो विवाहित हो जाते हैं उनको फिर रहने का मौका नहीं मिलता। तो उन्हें एक सांस्कृतिक ऐसा कहा जाता है। किस जनजाति में प्रसिद्ध है, किस जनजातियों में ये प्रचलन है? बस उड़ाओं का ही है, यही मुंडा का हो तो कितनी उड़ा का है। जेपीएससी में अभिनव जी लगातार इतनी डिले होती है एग्जाम में, तो इसमें मुख्य रूप से किसकी गलती है, जेपीएससी की है या सरकार की है? सर मैं समझता हूँ कि गलती
गलतियाँ सरकार की या जेपीएससी की, मुझे लगता है कि दोनों को एक मतलब गलतियाँ सबकी है, गलतियाँ इसमें मैंने आप ये मानते हैं कि सरकार और जेपीएससी दोनों जिम्मेवार है इसके? जिम्मेवारी बिल्कुल है, जिम्मेवारी कुछ हद तक, लेकिन जिम्मेवारी स्टूडेंट्स की भी है। कैसे जिम्मेवारी मैं बताता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ बताने की, कि जब अगर आंदोलन करना है जैसे नियमावली शुरू से सही नहीं हुई थी, तो नियमावली को शुरू में ही इस बात से उठाना चाहिए, या अगर आपको अगर न्यायालय ही जाना है तो शुरुआत में ही जाना चाहिए कि भाई मतलब आप मानते हैं कि न्यायपालिका में पहले चले जाएंगे तभी ठीक है, बाद में नहीं जाना चाहिए? नहीं, अगर जैसे न्यायपालिका का भी रूप है, उनका नियम यह है कि यू शुड कम विद अ क्लीन हैंड्स। अगर आपके पास, अगर आपके साथ कुछ गलती हुई है और आप अगर एक निश्चित सीमा तक नहीं आ पाए न्यायालय में, तो वो माना जाता है कि वेविंग ऑफ राइट्स, मतलब कि आप अपने अधिकारों को वेव कर रहे हैं। अगर कोई समस्या अगर आई है जिसमें कि आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो आपको न्यायालय में आना चाहिए। न्यायालय में तो स्टूडेंट गए, तो न्यायालय में अपने अधिकार के द्वारा ही गए, बिल्कुल ही, और संवैधानिक तरीके से हुआ है। और मुझे लगता है कि जो देर हुई है ये इसका सकारात्मक पहलू मैं देखता हूँ। सकारात्मक पहलू ये है कि जेपीएससी अब ये हमेशा से सजग रहेगी कि नियमावली में कोई गलती ना हो, और मैं समझता हूँ कि इससे झारखंड को एक फायदा होगा कि हमारी जो नियमावली होगी वो बहुत बेहतर होगी और सभी को लेकर चलने वाली एक नीति होगी, और भविष्य में मैं देखता हूँ कि जेपीएससी का भविष्य जो है। लॉ में आप क्या पढ़ाते हैं? लॉ में सर बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, जैसे कि अभी तो मैं आईपीआर प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, मतलब लॉ के सभी सब्जेक्ट्स। माइनर एक्ट पढ़ाते हैं? माइनर नहीं, मेजर एक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीआर एक्ट इंडिया का है। सर आईपीआर एक्ट सबसे पहला आया है जो 1957 कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट सबसे शुरू में 1957 है, और अभी जो सबसे रिसेंट लॉ है जो कि रिलेटेड है आईपीआर से, वो है बग रेविजन 2002। अमेंडमेंट बिल्कुल हुआ है, लेकिन मतलब एक्ट आने की बात है, जैसे कि जो कोर एक्ट 2005 में क्या हुआ था? 2005 में प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट के नाम सुना है? हाँ, इसके बारे में कुछ बताइएगा। प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट होता है एक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है? हाँ, मैं बता, पेटेंट एक जो पेटेंट एक्ट 1970 है, उसमें जो पेटेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि पहला चीज़ तो यह है कि वो एक इन्वेंशन हो, और इन्वेंशन में एक इन्वेंटिव स्टेप्स भी हो। इन्वेंशंस को उसने डिफाइन किया है सेक्शन 2ZB में, उसमें कहा गया है कि इन्वेंशंस मतलब कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट का उत्पादन हो और उसमें साथ में इन्वेंटिव स्टेप्स हो, और तीसरा क्राइटेरिया कि उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जो इन्वेंटिव स्टेप है, तो इन्वेंटिव स्टेप से ही जुड़ा हुआ है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बीच में भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बनने के कगार में है तो उसके पहले एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम पेटेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये एक इशू था जिसमें कि बोला गया कि अगर वो प्रोसेस बिल्कुल ही नॉवेल है, नॉवेल्टी की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नोवेल है, डिस्टिंक्ट है, तो उसको दिया जा सकता है। अभी तो खत्म कर दिया है। नहीं तो कर दिया 2005 के बाद। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस बाय प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है तो वो पेटेंटेबल नहीं। कोई और अभिनव नाम है जो देश में नाम कमाए? सर अभिनव बिंद्रा है। क्या कहते हैं वो 10 मीटर राइफल, एयर राइफल के ओलंपिक चैंपियन है। तो आप अपनी हॉबी क्या रखें? मेरा क्रिकेट है। क्रिकेट में गुगली क्या होता है? सर गुगली एक लेग स्पिनर करते हैं, लेग स्पिनर जब ऑफ स्पिन वाले बोल रहे हैं तो उसको। भारत में कोई है गुगली गेंदबाज? हाँ बिल्कुल है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ऑफ स्पिनर, जो ऑफ स्पिनर अगर लेग स्पिन करा दो सेम एक्शन में तो उसको हम दूसरा बोलते हैं। बीमर बोल क्या है? बीमर बोल जो डायरेक्ट बिना टपक खाए हुए अगर।
अच्छा आप लोग के हिंदू लोग और मोहम्मदन लोग दोनों के आधार पर उत्तराधिकार संबंधी क्या प्रावधान है? हिंदू लोग में जैसे कि एक बहुत बेसिक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा इसमें कि हिंदू में क्या होता है कि अगर जब बच्चा गर्भ में रहा और उसमें जीव आ जाता है तब से ही वो उत्तराधिकारी हो जाता है प्रॉपर्टी का। लेकिन मुस्लिम लोग में क्या होता है कि आप जब तक आपका जो जो मालिक जिंदा है तब तक उत्तराधिकारी बन सकते हैं, तो इसलिए फादर के मरने के बाद ही बच्चे को उत्तराधिकार मिल सकता है।